हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। 3 लेक्चर जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक पढ़ा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा, फिर वहाँ से उसकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ी थी। तो 3 लेक्चर हो चुके हैं। 4th लेक्चर है जिसमें हम सेकंड फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है मेमोरी मैनेजमेंट, क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो ये देखेंगे। देखिए, हमें पता है CPU होता है कंप्यूटर में, इंपॉर्टेंट है, बिना CPU के काम नहीं चलेगा। इसके अलावा मेन मेमोरी होती है, क्योंकि डाटा कहीं तो स्टोर कर होगा ही। सेकेंडरी मेमोरी होती है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं वो सीधा कहाँ पर स्टोर होता है, वो सीधा कहाँ पर स्टोर होता है, जैसे भी हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया वो कहाँ पर जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होता है। किसके द्वारा होता है, CPU के द्वारा होता है, प्रोसेसर के द्वारा होता है। विदाउट प्रोसेसर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, तो वो ये होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी नहीं जब तक हमारे पास CPU नहीं होगा, ठीक। तो तीनों ये जो है इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी और CPU। अब देखिए, CPU अगर हम देखें तो अगर CPU को कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो वह कहाँ से फास्टली एक्सेस कर पाएगा, क्या मेन मेमोरी से फास्ट एक्सेस कर पाएगा, क्या सेकेंडरी मेमोरी से, या फिर कैशे मेमोरी भी होती है एक, ठीक है। तो हम हमेशा क्या कहते हैं कि कैशे मेमोरी से जो है CPU जल्दी से जो है डाटा को उठा लेता है, एक्सेस कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैशे मेमोरी से भी फास्ट जो डाटा एक्सेस करता है वो कहाँ से करता है, रजिस्टर से करता है, ठीक है। किससे करता है, रजिस्टर से करता है, लेकिन रजिस्टर में क्या होता है, स्पीड तो ज़्यादा होती है रजिस्टर की, स्पीडली वो एक्सेस कर लेता है वहाँ से जो भी प्रोसेस या प्रोग्राम जो भी उसे एक्सेस करना होता है CPU कर लेता है। लेकिन अगर कभी लार्ज प्रोसेस आ जाए, ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्रोसेस आ जाए, क्योंकि रजिस्टर्स बहुत छोटे होते हैं तो वो उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये लार्ज प्रोसेस के लिए सही नहीं होता है कि वो रजिस्टर से प्रोसेस को एक्सेस करे। तो फिर बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की, कि वो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से जो है डाटा उठा ले, CPU जो है वो डायरेक्टली क्या करे, सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को उठा ले। लेकिन वो डायरेक्टली उठा तो सकता है, ठीक है, डाटा उठा लेगा, सेकेंडरी मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, लार्ज मेमोरी है, मेन मेमोरी से भी ज़्यादा स्पेस होता है, तो वो जो लार्ज प्रोसेस होती है वो तो सही है कि वो सेकेंडरी मेमोरी में जो है चली जाएगी, उसके पास स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन वो एक्सेस करने की जो स्पीड होगी CPU की, जो रजिस्टर में थी वो थी बहुत ज़्यादा, स्पेस कम था। लेकिन अगर वो सेकेंडरी मेमोरी से कोई प्रोसेस प्रोग्राम एक्सेस करेगा या सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी प्रोसेस लेगा तो वो क्या होगा, स्पीड जो होगी वहाँ पर वो बहुत कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हम यहां पे यूज करते हैं बसेस, और बसेस की जो स्पीड होती है वो होती है बहुत कम, तो इसीलिए CPU डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से भी जो है एक्सेस नहीं कर सकता है। फिर बात आती है मेन मेमोरी की, अब वो रजिस्टर्स में से क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि स्पेस कम है, सेकेंडरी मेमोरी में स्पीड जो है वो कम है। फिर बात आती है मेन मेमोरी की, रैम की, ठीक है, रैम की। तो CPU क्या करता है, मेन मेमोरी से लेता है, सेकेंडरी मेमोरी से जो है प्रोग्राम कहाँ जाता है, मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से CPU को पास, ओके। तो देखिए, अब देखिए, हमें पता है, देख लीजिए एक मिनट, ये CPU हो गया, ये मेन मेमोरी होगी। मेन मेमोरी में 2 चीज़ें होती है, एक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरी होती है यूजर स्पेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चल रहा है, ना ये यूज़र को पता होता है, यूजर्स में क्या चल रहा है ना ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है। एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हम जो है मेमोरी को कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स में बांट देते हैं, प्रोसेस को जो है कुछ दे देते हैं कि जिसके पास जितना स्पेस हो वो प्रोसेस इसमें स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी से एक प्रोसेस जो है हम यहाँ भेज रहे हैं मेन मेमोरी में, मान लेते हैं कोई प्रोसेस यहाँ आ गई, ठीक है, और फिर वो प्रोसेस को जो है CPU अलॉट होगा। तो मेन मेमोरी में से कौन सी प्रोसेस, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से कौन सी प्रोसेस मेन मेमोरी के पास जाएगी, फिर मेन मेमोरी से CPU में जाएगी, इन सब को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसी के लिए हम जो है हमें किसकी किसको यूज़ करना पड़ता है, मेमोरी मैनेजमेंट का, ठीक है। कौन सा अलॉट होगा, कौन सा डी एलोकेट होगा, ये सारा काम किसका है, मेमोरी मैनेजमेंट का है। कौन सी प्रोसेस जो है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाएगी, कौन किसको जो है CPU अलॉट होगा, ये सारी चीज़ें को मैनेज करने का काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट, क्यों मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी आपको पता चल गया होगा। तो अब देखते हैं, इसे पढ़ते हैं, चलिए देखिए,
मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल्स और मैनेजेस प्राइमरी मेमोरी एंड मूव्स प्रोसेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. डिस्क मीन्स यहाँ पे बात हो रही है सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक है, जो प्रोसेस जो है मेन मेमोरी से, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, और जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन खत्म होता है वो वापस सेकेंडरी मेमोरी में जाती है. ये इस काम को मैनेज कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट कीप ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन. मेमोरी मैनेजमेंट क्या है करता है? कीप ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन. हर एक मेमोरी लोकेशन पे वो अपनी नज़र रखता है, उसको पता होता है. रिगार्डलेस ऑफ आइदर इट इज़ एलोकेटेड टू सम प्रोसेस और इट इज़ फ्री. तो वो पूरा ध्यान रखता है कि कौन सी फ्री है, मतलब चाहे एलोकेट हो रही है उसका भी ध्यान रखता है, डी एलोकेट है मतलब दी नहीं गई है उसका भी ध्यान रखता है. इन सारी चीज़ों को जो है मैनेज करके रखता है. इट चेक्स हाउ मच मेमोरी इज़ टू बी एलोकेटेड टू प्रोसेस. ये भी चेक करता है कि कितनी जो है मेमोरी प्रोसेस को एलोकेट की गई है. इट डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट व्हाट टाइम. ये भी डिसाइड करने का काम किसका है? मेमोरी मैनेजमेंट का है कि कौन सी प्रोसेस को मेमोरी किस वक्त मिलेगी, किस टाइम पे मिलेगी, कितने टाइम के लिए मिलेगी. इट ट्रैक्ट व्हेन एवर सम मेमोरी गेट्स फ्रीड और अनएलोकेट एंड कॉरस्पॉन्डिंगली इट अपडेट द स्टेटस, ठीक है. ऑल्सो के देखिए क्या ट्रैक करते हैं कि कितनी मेमोरी जो है फ्री हो गई है, कितनी अनएलोकेटेड है, और उस स्टेटस को जो है अपडेट करता है, जिसमें हमने पढ़ा भी था, हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पढ़ा था जिसमें टाइम टू टाइम जो है वो बार बार जो है उसको क्या करता है, हर एक प्रोसेस का जो हमने पीसीबी पढ़ा था कि उसकी जिस भी स्टेट में है वो बार बार जो है उसे अपडेट करता है, ठीक है, स्टेटस को. तो ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट. ओके, तो इसके कुछ फंक्शंस और गोल्स और पढ़ते हैं. तो देखिए इसके फंक्शंस में देखिए तो क्या होगा, कीप ट्रैक ऑफ व्हाट मेमोरी इन यूज एंड वट मेमरी इज फ्री. जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कौन सी मेमरी यूज़ हो रही है, कौन सी मेमरी फ्री है. एलोकेट फ्री मेमरी. अगर मेमरी फ्री है तो ये एलोकेट कर देता है प्रोसेस को जब उसे ज़रूरत होती है. डी एलोकेट कर देता है व्हेन दे डोंट रिक्वायर्ड. जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो इसे क्या भी कर देता है, डी एलोकेट भी कर देता है, ठीक है. तो ये सारे काम जो हैं किसके हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के हैं, तो ये याद रखिए. चलिए अब बात आती है लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस. ये क्या होता है? तो देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं लॉजिकल एड्रेस. लॉजिकल एड्रेस को किस नाम से जानते हैं? वर्चुअल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है. और फिजिकल एड्रेस को मेन मेमोरी या रैम भी कहते हैं. CPU जनरेट एन एड्रेस. जब CPU कोई एड्रेस जनरेट करता है, हमने पढ़ा ना CPU होता है मेन मेमोरी होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है. When CPU generate an address, it is referred as logical address. तो क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, पूछा जाता है कि CPU generate which address, कौन सा एड्रेस जो है CPU generate करता है, यही क्वेश्चन यहाँ से मेनली पूछा जाता है. तो वो लॉजिकल एड्रेस होता है और लॉजिकल एड्रेस को ही वर्चुअल एड्रेस कहते हैं. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट लॉजिकल एड्रेस आर यूज टू रेफरेंस द इंफॉर्मेशन और डाटा विद इन ए प्रोग्राम एड्रेस स्पेस. लॉजिकल एड्रेस इज ऑल्सो रेफर्ड एज वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं. द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस जनरेट बाय ए प्रोग्राम इज रेफर्ड एज लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है. जब लॉजिकल एड्रेस का जो पूरा सेट है वो किसी प्रोग्राम के द्वारा जनरेट किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस बन जाता है. फिर बात आती है फिजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस क्या होता है, किसी की किसी भी प्रोग्राम की जो है लोकेशन, देखिए एन एड्रेस विच इज ऑब्टेन इन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज रेफर्ड एज फिजिकल एड्रेस. किसी भी उसका एड्रेस जो मेमोरी रजिस्टर में रहता है वो क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है. इन अदर वर्ड यू कैन से दैट फिजिकल एड्रेस रिप्रेजेंट द एक्चुअल मेन मेमोरी एड्रेस, ठीक है. तो एक्चुअल जो एड्रेस होता है वो क्या हो कहलाता है, फिजिकल एड्रेस. और जो सीपीयू जनरेट करता है एड्रेस वो होता है लॉजिकल एड्रेस, ठीक है. जहां पे भी प्रोग्राम डाटा जो भी स्टोर होता है वो एड्रेस जो होता है वो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है. द सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू ऑल लॉजिकल एड्रेस ऑफ ए प्रोग्राम इज रेफर्ड एज फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ दैट प्रोग्राम. लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस आर द सेम इन कंपाइल टाइम. कंपाइल टाइम पे लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस जो होते हैं वो सेम होते हैं,
कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम, बट लॉजिकल एंड फिजिकल डिफरेंस डिफर इन एग्जीक्यूशन टाइम. तो ये याद रखिए, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस कंपाइल टाइम पे और लोड टाइम पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब सेम होते हैं. लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन टाइम की, तो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो बस यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसका एक्चुअल एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस, जो सीपीयू जनरेट करता है एड्रेस वो लॉजिकल एड्रेस होता है. ओके, क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ही, जहाँ पे हम आगे जो इसमें बचेगा वो डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस देखेंगे. चलिए अब बात कर रहे हैं हम, एक टर्म आती है स्वैपिंग. स्वैपिंग क्या होती है? When a process is to be executed, it has to be first loaded from the second storage. अगर हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में, या कह लीजिए मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं और हम उसे सेव करते हैं, वो कहाँ पे सेव होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है. सेकेंडरी मेमोरी से वो कहाँ पर जाता है, मेन मेमोरी में जाता है, क्योंकि मेन मेमोरी में ही एग्जीक्यूशन होता है उसका. तो ये कहा गया कि जब भी हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इट हैज़ टू बी फर्स्ट रिलोडेड फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द मेन मेमोरी. वो कहाँ जाता है, कहाँ पे रिलोड होता है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाता है, और ये प्रोसेस कहलाती है प्रोसेस लोडिंग. जब प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जा रही है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस लोडिंग कहलाएगा. ठीक है, तो प्रोसेस लोडिंग भी पता होना चाहिए. ठीक है, प्रोसेस लोडिंग हो चुकी है जब वो सेकेंडरी से मेन मेमोरी में गई, उसके बाद जब एग्जीक्यूट हो जाती है, एग्जीक्यूशन हो जाता है, तो वो वापस से कहाँ जाएगी, फिर से सेकेंडरी मेमोरी में जाएगी. लेकिन वहाँ पर क्या होती है, जो मेमोरी की लिमिट होती है, मेमोरी जो होती है वो लिमिटेड होती है, एंड अदर प्रोसेस नीड इट फॉर देयर यूज़, और जो और प्रोसेस होती है उन्हें भी जो है मेमोरी चाहिए होती है. तो तब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, स्वैप करता है प्रोसेसेस को, उसे ही क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं. तो स्वैप कैसे करता है ये देखते हैं. देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, एक मेन मेमोरी ले ली, एक सेकेंडरी स्टोरेज ले लिया. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एक प्रोसेस थी P1, ठीक है, मेन मेमोरी में क्या थी, एक प्रोसेस थी. अब एग्जीक्यूट हो गई तो वह वापस कहाँ जाएगी, सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगी. तो यहाँ से वो प्रोसेस जो है स्वैप आउट होकर कहाँ चली जाएगी, सेकेंडरी स्टोरेज में. और जो प्रोसेस सेकेंडरी स्टोरेज में थी वो कहाँ चली जाएगी, मेन मेमोरी में, स्वैप इन होके. ठीक है, तो ये होती है स्वैप, जहाँ पे जब एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेस को वापस से सेकेंडरी स्टोरेज में जगह चाहिए होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस को स्वैप इन स्वैप आउट करता है. ठीक है, तो यही कंसेप्ट स्वैपिंग कहलाता है. ठीक, चलिए आगे आती है फिर मेमोरी एलोकेशन टेक्निक. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. तो मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, या इसे आप कह सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्टोरेज एलोकेशन टेक्निक्स. ठीक है, ये दो तरीके की होती है, एक होती है कंटिन्यूस स्टोरेज एलोकेशन और एक होती है नॉन कंटिन्यूस स्टोरेज एलोकेशन. कंटिन्यूस कह लो या कंटिन्यूस कह सकते हैं आप इसे, वो कंटिन्यू उसमें ही होता है, मीनिंग वही होता है. आगे है कंटिन्यूस स्टोरेज एलोकेशन, दो टाइप का होता है, सिंगल पार्टीशन एलोकेशन और मल्टीपल पार्टीशन. मल्टीपल पार्टीशन में फिर चीज़ें होती है फिक्स्ड साइज और वेरिएबल साइज पार्टीशन. नॉन कंटिन्यूस होता है पेजिंग और सेगमेंटेशन. ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में जो है हम सिर्फ कंटिन्यूस स्टोरेज एलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ ये चार चीज़ों के बारे में. पेजिंग सेगमेंटेशन जो है अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्योंकि बहुत बड़े हैं, वो उन्हें अच्छे से समझना ज़रूरी है. इसके अलावा जो भी बचेगा, डिमांड पेजिंग हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गया, और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हो गया, वो बाद में देखेंगे. तो अभी मेन फोकस हम रखते हैं कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन पे. तो बात कर रहे हैं हम कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन की, तो ये क्या है, कंटिजियस की हम बात कर रहे हैं. तो देखिए कंटिजियस में क्या होता है, कंटिजियस स्टोरेज एलोकेशन का मतलब क्या है, मेमोरी में हमें पता है ब्लॉक्स होते हैं इस तरीके से. ठीक है, मेमोरी को हम ब्लॉक्स में बांट देते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास प्रोसेस होती है उन्हें हम एलोकेट करते हैं, जितने भी उसका जो है वो प्रोसेस होती है. ठीक है, तो कंटिन्यूस का मतलब है कि जैसे प्रोसेस P1 है तो उसे सबसे पहले वाला दे दिया, ये नहीं कि चार ब्लॉक हैं इसमें तो सीधा P1 हमने यहाँ रख दिया, P2 यहाँ रख दिया, P3 यहाँ रख दिया, इस तरीके से नहीं, कंटिन्यूस वे में. सबसे पहले प्रोसेस P1 आई तो यहाँ पे चली गई, फिर P2 आई तो फिर उसके बाद, ये होता है कंटिन्यूस. ठीक है, ये होता है कंटिन्यूस स्टोरेज एलोकेशन. फिर बात आती है इसमें सिंगल पार्टीशन एलोकेशन और मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन. सिंगल पार्टीशन में देखिए क्या होता है,
सिंगल पार्टीशन में क्या होता है, सिंपलेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम होती है ये इन सारों में से अगर बात करें. इसमें क्या होता है, जो मेमोरी होती है हमारी, इन दिस मेमोरी इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स. मेमोरी को हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में. एक पार्ट में चला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे पार्ट में आ जाती है यूज़र प्रोसेसेस जो भी होती हैं. ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है मेन मेमोरी में, लेकिन दूसरे में क्या है, यूज़र. ऐसा नहीं करते हैं कि हम इसे ब्लॉक्स में बांट देते. जो पूरा प्रोग्राम होता है वो किस में होता है, एक ही ब्लॉक में होता है, सिंगल होता है. तो ये होता है, तो याद रखिए, इन दिस स्कीम द मेमोरी इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स. वन पार्ट होल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द रिमेनिंग होल्ड द यूज़र प्रोसेसेस विच आर लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड वन एट ए टाइम. ठीक है, जहाँ पे प्रोसेस लोड होगी, एग्जीक्यूट होगी, निकल जाएगी. दूसरी प्रोसेस, जैसे ये एक प्रोसेस कंप्लीट करेगी टास्क, दूसरी प्रोसेस जो है मेन मेमोरी में आ जाएगी, वो भी ऐसे ही खत्म होगी, एग्जीक्यूशन होगा, चली जाएगी. तीसरी जिसकी भी रिक्वेस्ट होगी वो मेन मेमोरी में आ जाएगी. तो वन प्रोसेस एट ए टाइम होती है सिंगल पार्टीशन एलोकेशन में. ठीक है, फिर बात आती है मल्टीपल पार्टीशनिंग एलोकेशन की. तो मल्टीपल पार्टीशनिंग का मतलब क्या है, इस तरीके से ब्लॉक्स बन जाते हैं मेमोरी में मल्टीपल. यहाँ पे क्या था, सिंगल था. ठीक है, उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल बन जाते हैं. तो हम वही पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फिक्स्ड साइज पार्टीशन मेमोरी. फिक्स्ड साइज पार्टीशन मेमोरी, देखो नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड साइज होता है. जिस भी प्रोसेस को हमें जो भी अलॉट करना है वो क्या है, फिक्स्ड पार्टीशनिंग होती है इसमें. जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, फिक्स्ड पार्टीशनिंग कर दी. ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है, उसके अलावा फिक्स्ड पार्टीशन कर दिया कि एक ब्लॉक जो है 4 MB का है, दूसरा ब्लॉक 8 MB का है, तीसरा ब्लॉक 6 MB का है, उससे अगला 16 MB का है, या 8 MB ले लीजिए. ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है फिक्स पार्टीशन, मतलब फिक्स्ड होता है ब्लॉक कि 4 MB का ये है, ये 8 MB का, ये 8 MB का. इसके अलावा सेम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 MB का हो जाए, अगला भी 2 MB का, अगला भी 2 MB का, अगला भी 2 MB का, मतलब पूरी जितने भी हमने ब्लॉक्स लिए हैं वो कितने हो जाए, सेम उसके हो जाए. तो ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, तो फिक्स्ड साइज में देखिए, अब आया हमने ली कोई प्रोसेस P1 है हमारे पास, और वो P1 है हमारे पास 3 MB की, वो प्रोसेस है 3 MB की, और हम इसको शुरू करते हैं कहाँ से बांटना, 0, 1, 2, 3. तो इसमें टोटल कितने ब्लॉक हो गए, 4 हो गए, 1, 2, 3, 4 ब्लॉक हो गए. ठीक है, 4 ब्लॉक्स में हमने इसे बांट लिया. फिर हमारे पास एक प्रोसेस आई 3 MB की. अब हमें जो है इसे एलोकेट करनी है मेमोरी. ठीक है, तो हम कहीं पे भी एलोकेट कर सकते हैं, बट क्या करेंगे, जो सबसे पहले खाली होगा वहीं पे एलोकेट करेंगे. तो ये हमने यहाँ पे P1 एलोकेट कर दी. ठीक है, P1 हमने एलोकेट कर दिया. अब देखिए P1 कितने का है, 3 MB का है, लेकिन ये तो स्पेस तो 4 MB का है, तो यहाँ पे 1 MB बच गया, 1 MB लेफ्ट. ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम जो है प्रोसेस P2 को भी जो है इसी में जो है आधा स्थान दे दे, नहीं, एक ब्लॉक जो है एक ही प्रोसेस को होल्ड करेगा. तो फिक्स साइज मेमोरी एलोकेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो दिस स्कीम डिवाइड्स द मेमोरी इनटू ए नंबर ऑफ सेपरेट फिक्स्ड एरिया. तो इसमें जो भी हम ब्लॉक्स देते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और ईच ऑफ विच कैन होल्ड वन प्रोसेस, और हर एक ब्लॉक जो है सिर्फ एक ही प्रोसेस को होल्ड करेगा. ये नहीं होगा कि अगर उसमें स्पेस बच रहा है तो हम उस स्पेस को किसी दूसरी प्रोसेस को अलॉट कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा. फिक्स्ड का मतलब फिक्स्ड है, एक ही प्रोसेस के लिए फिक्स्ड है. ठीक है, फिर मैंने एक और प्रोसेस ली P2 जो कि 6 MB की है. कितने MB की है, 6 MB की है. तो यहां पे आ गई प्रोसेस P2, कितना एरिया बच गया, 2 MB का एरिया बच गया, मतलब वेस्ट हो गया. फिर एक और प्रोसेस आई P3, वो है 4 MB की, 4 MB की. चलो यहां पे आ गई 4 MB, P3 आ गया, यहां पे 4 MB बच गई मेमोरी. उसके बाद P4 आई 14 MB की, या 16 कर लो, चलो पूरा लिख लेते हैं 16 MB की. तो यहाँ पे आ जाएगी प्रोसेस P4, ये पूरे में आ गई, इसमें कोई वेस्टेज नहीं हुई. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पेस बच गया, कितना बच गया, 1 MB का. यहाँ पे स्पेस बच गया 2 MB का, और यहाँ पे स्पेस बच गया 4 MB का. फिर मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोसेस आ गई P5, और वो है 5 MB की. अब हमारे पास स्पेस कितना बचा है, यहाँ पे बचा है, ठीक है, यहाँ पे बचा है, और यहाँ पे बचा है 4, इसके अलावा 4 और मतलब जितना भी बचा है यहाँ पे 4, 5 हो गया ये, और ये 6, 7 MB का हमारे पास स्पेस बचा है. और हमारे पास एक नई प्रोसेस आई P5 जो कि 5 MB मांग रही है, तो क्या हम इसे अलॉट कर सकते हैं,
नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग है, कंटीजियस में है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम आधी प्रोसेस को इसमें रखें और आधी प्रोसेस को इसमें रखें। कंटीजियस का बेसिकली जो मतलब होता है वो क्या होता है कि हम जो है एक ही प्रोसेस, एक प्रोसेस को एक साथ रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्पेस यहाँ पे बचा है तो 1 MB हमने यहाँ रख दी उस प्रोसेस को और 2 MB हमने यहाँ रख दिया, नहीं, हमने क्या लिखना है, कंटीन्यूअस में रखना है, कि मतलब वो पूरी जो प्रोसेस है वो एक ही ब्लॉक में आ जाए। ऐसा नहीं कि एक उसमें, एक उसमें, एक उसमें, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो ये होता है फिक्स्ड साइज पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन। इसमें देखिए अब जो है स्पेस जो है वेस्ट हो रहा है, तो ये होती है एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो फिक्स्ड साइज पार्टीशन में एक प्रॉब्लम अक्कर होती है जिसे क्या कहा जाता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। उसका हम यूज भी तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि वो जो वेस्ट हो रही है, हमारा जो स्पेस वेस्ट हो रहा है, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम अक्कर होती है जिसे कहा जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो याद रखिए इसमें क्या होता है, फिक्स्ड साइज होता है और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम इसमें अक्कर होती है, क्वेश्चन आता है यहां से, ओके। सेकंड है हमारा वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग मेमोरी एलोकेशन। अब वेरिएबल साइज देखिए, फिक्स्ड साइज जो थी उसे स्टैटिक भी बोला जाता है, पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक, और जो हमारी वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग होती है उसे डायनामिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनामिक पार्टीशनिंग भी बोला जाता है। वेरिएबल साइज में क्या होता है, देखिए हम जो है प्रोसेस की नीड के अकॉर्डिंग मेमोरी अलॉट करते हैं। जैसे एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बाकी मेमोरी जो है हमारे पास फ्री पड़ी है। कोई प्रोसेस आई हमारे पास P1 जो कि 3 MB की है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 MB प्रोसेस P1 को दे देंगे। ये 3 MB जो है प्रोसेस P1 के पास चला गया। फिर एक प्रोसेस आई P2 में क्या है, कोई प्रोसेस आई 4 MB की, उसे हमने अलॉट कर दिया 4 MB, ठीक है। फिर एक और प्रोसेस आई P3 जो कि 8 MB की है, तो हमने उसे भी जो है 8 MB का स्पेस दे दिया, ठीक है। फिर एक P4 प्रोसेस आई जो कि 16 MB की है, तो हमने उसे एक और स्पेस दे दिया P4 16 MB, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नीड देते हैं, जैसे जैसे प्रोसेस आती जाएगी, फिक्स्ड नहीं होता है कुछ भी। जो प्रोसेस मांग रही है, जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है जितना स्पेस, उतना ही जो है हम उसे अलॉट करते हैं। तो ये वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग मेमोरी एलोकेशन होते हैं, जिसे हम डायनामिक एलोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो ऑब्वियस होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस जितनी रिक्वेस्ट कर रही है हम उतना दे रहे हैं, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं आती, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आती है। वो क्यों आती है, देखिए अब मान लीजिए कोई प्रोसेस P2 जो है यहां से चली गई, एग्जीक्यूट हो गई, खाली हो गई ये जगह, यहां पे बन गया होल, ठीक है, और ये है 4 MB की। फिर एक और प्रोसेस मान लेते हैं, एक और प्रोसेस चली गई यहां से P4, ये भी एग्जीक्यूट होके चली गई, तो यहां पे भी स्पेस खाली हो गया, होल बन गया। तो अभी हमारे पास टोटल स्पेस कितना बचा, 4 बचा और ये 16 MB का बचा, तो 20 MB जो है हमारे पास स्पेस बच गया, ठीक है। फिर कोई प्रोसेस आई 16 MB की, फिर कोई प्रोसेस आई 16 MB की, तो क्या हम उसे यहां पे स्टोर कर सकते हैं, देखिए ये 4 MB है, ये ओके 18 MB मान लीजिए, चलिए टोटल 20 MB था, ओके 18 MB है। अब देखिए ये 4 MB की, ये 16 MB की, तो क्या प्रोसेस जो है अलग अलग आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम अक्कर होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम जो है अक्कर होती है, इंटरनल की नहीं होती, एक्सटर्नल की प्रॉब्लम अक्कर होती है। फिर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में क्या करता है, P3 को जो है इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट की तरह होता है, P3 को हम जो है ऊपर ले जाते हैं और जो ये जो हमारा स्पेस बचता है, खाली जो स्पेस है उसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्शन में क्या कर लेते हैं, जो खाली स्पेस होता है उसे एक साथ कर देते हैं और जो भरा हुआ स्पेस है उसको एक साथ कर देते हैं, जो फ्री स्पेस होता है ना उसको एक साथ ले आते हैं। अब देखिए 4 MB और 16 MB अगर हम एक साथ ले आए तो हमारे पास 20 MB बन गया और प्रोसेस हमारे पास 18 MB की, तो क्या हम इसे अलॉट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, मेमोरी दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए वेरिएबल साइज में आती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम, जिसको ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं कॉम्पैक्शन टेक्निक का। ये क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं वो आपको पता चल जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ओके। इसके अलावा जो हमने पढ़ा फिक्स्ड साइज, उसमें कैसी थी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थी और वो कॉम्पैक्शन से दूर नहीं होती है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फिक्स्ड साइज में आती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वेरिएबल साइज में आती है, और उसकी प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाता है कॉम्पैक्शन से। कॉम्पैक्शन क्या है, फ्री स्पेस को एक साथ ले आना और प्रोसेस को एक साथ कर देना, ठीक है। तो ये हो गया
कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन, जिसमें हमने सिंगल पार्टीशन भी पढ़ लिया, जहाँ पे हम जो मेमोरी है उसे सिर्फ एक ही भाग में डिवाइड करते हैं। मल्टीपल में हमने मल्टीपल ब्लॉक्स देखे, जहाँ पे हमने फिक्स्ड साइज पढ़ा था। फिक्स्ड साइज मतलब पहले ही प्रोसेस के बिना ही, मतलब प्रोसेस की रिक्वेस्ट के बिना ही जो है फिक्स्ड कर दिया जाता है साइज़ की, इसके पास इतनी इतनी साइज़ की जो है ब्लॉक्स हैं। वेरिएबल साइज में जैसे ही प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है जितने भी साइज़ का, उतना ही जो है अलॉट किया जाता है मेमोरी में स्पेस, ठीक है। इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, उसको ओवरकम करने के लिए कॉम्पैक्शन टेक्निक। ओके, तो ये है कॉन्टिजियस स्टोरेज एलोकेशन। यहाँ से ही 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हमारा नॉन कॉन्टिजियस स्टोरेज एलोकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, पेजिंग और सेगमेंटेशन, ठीक है। ये दो टेक्निक्स जो है पेजिंग सेगमेंटेशन, ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि क्या होती है नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में, किस तरीके से जो है ये काम करती है। ओके, थैंक यू सो मच।